दोस्तों, अगर आप भी यहां पर देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक यानी कि HDFC बैंक में अपना सेविंग अकाउंट घर बैठे ओपन करना चाहते हैं सो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की इस जबरदस्त वीडियो में मैं आपसे यहां पर बात करने वाला हूं कि 2023 के अंदर घर बैठे HDFC बैंक में अपना सेविंग अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अकाउंट ओपन करने का जो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर निकल के आता है, आपको यहाँ पर ATM कार्ड, चेकबुक एंड पासबुक बाय पोस्ट आपके घर पर लगभग एक सप्ताह के बाद डिलीवर कर दी जाती है। एंड जब आप अपना अकाउंट HDFC बैंक में ओपन कर लेते हैं तो वहां पर आपको इंस्टेंट आपका डेबिट कार्ड यानी कि वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाता है, जिससे आप यहाँ पर मोबाइल UPI एप्लीकेशन, गूगल पे, PayTM या इससे अदर कोई भी एप्लीकेशन आप यहां पर यूज कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, आपको यहां पर क्रेडिट कार्ड का ऑफर भी अकाउंट ओपन करने के बाद यहां पर मिल जाता है, यानी कि अगर आप एक इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड भी चाहते हैं तो आपको यहां पर HDFC बैंक में अपना सेविंग अकाउंट जरूर ओपन करना चाहिए, जिसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस को बहुत ही ज्यादा आसान बनाता हूं। दोस्तों, अब हम यहां पर सीख लेते हैं कि HDFC बैंक में हमें अपना सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करना है। बिना किसी देरी के आज की जबरदस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम यहां पर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहां पर आप सीखने वाले हैं कि आप यहां पर वर्ल्ड के सबसे अच्छे प्राइवेट बैंक यानी कि HDFC बैंक में अपना सेविंग अकाउंट मात्र 5 मिनट के अंदर किस तरह से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक वहां पर मिल जाएगी। सिंपली आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को आप अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों, जब आप इस पेज पर आ जाएंगे, यहां पर आपके सामने ओपन अकाउंट नाउ का एक टैब यहां पर आपको शो हो जाएगी। तो यहां पर आपको अपना अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपली ओपन अकाउंट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एंटर योर मोबाइल नंबर का टैब यहां पर खुलकर आ जाएगी। यहां पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है उसे यहां पर आपको दर्ज कर देना है। तो हम यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है एंड मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो मोबाइल नंबर हमने एंटर किया है उस मोबाइल नंबर पर बैंक की तरफ से 1 टाइम OTP सेंड की जाएगी। सो दोस्तों इस प्रोसेस में यहाँ पर 1 से 2 मिनट का टाइम यहाँ पर लग सकता है। हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना पैन कार्ड नंबर एंड आपको यहां पर कैप्चा फिल कर देना है। तो मैं ये सारी डिटेल बिल्कुल सही फिल कर लेता हूं। यहाँ पर दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपने जो अपना मोबाइल नंबर एंटर किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको शो हो जाता है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है एंड आपकी स्क्रीन पर जो आपको यहाँ पर कैप्चा शो होता है वो कैप्चा यहाँ पर आपको फिल कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको आई ऑथोराइज HDFC बैंक एंड इज ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है आपको यहाँ पर टिक मार्क कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो मैं अपनी सारी डिटेल फिल कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर किया था उस मोबाइल नंबर पर एक बैंक की तरफ से OTP सेंड कर दी गई है। तो दोस्तों सिंपली हमें वो OTP यहाँ पर फिल कर देनी है एंड OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपकी OTP वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों इस प्रोसेस में यहाँ पर 1 से 2 मिनट का टाइम यहाँ पर लग सकता है। तो जब तक आपकी ये OTP वेरीफाई होती है हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट आधार टू गेट ऑल बेनिफिट फुल KYC इंस्टा अकाउंट थ्रू वीडियो KYC। यहाँ पर दोस्तों आपको वीडियो KYC में जिन डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो है आपका आधार कार्ड। दोस्तों आधार कार्ड की अगर आप KYC करते हैं तो आपको आपका अकाउंट नंबर इंस्टेंट तौर पर यहाँ पर मिल जाता है। वैलिड आधार व्यू OTP एंड गेट योर अकाउंट नंबर इंस्टेंट, यानी कि दोस्तों अगर आपको आपका अकाउंट नंबर इंस्टेंट तौर पर चाहिए तो यहाँ पर आपको यस पर टिक मार कर देना है एंड अगर आप यहाँ पर अकाउंट नंबर अपने नियर बाई ब्रांच में
जाकर लेना चाहते हैं तो आप यहां पर नो पर क्लिक कर सकते हैं। हमें अभी अपना अकाउंट नंबर इंस्टेंट तौर पर चाहिए तो हमने यहां पर यस पर क्लिक कर दिया है एंड उसके बाद यहां पर हमें सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जिस लैंग्वेज को आप यहाँ पर प्रीफर करते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड वाला ये जो बीच का सेक्शन है, आपको यहाँ पर इस आधार कार्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर दोस्तों हमने अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दिया है एंड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर यहां पर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दी जाएगी। तो यहां पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है ओटीपी वेरिफिकेशन होने में। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं आधार कार्ड नंबर, यानी कि हमारे आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर हमारा लिंक है उस नंबर पर एक ओटीपी यहां पर सेंड कर दी गई है। तो हमें यहां पर दोस्तों वो ओटीपी यहां पर फिल कर देनी है एंड उसके बाद यहां पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है एंड उसके बाद यहां पर आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ओटीपी वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। आपको ओटीपी वेरीफाई होने में थोड़ा सा टाइम यहां पर लग सकता है। जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारे यहां पर जो ओटीपी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है एंड उसके बाद हम यहां पर नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहां पर दोस्तों हमें अपने अकाउंट का टाइप यहां पर सेलेक्ट कर लेना है कि हम यहां पर अपना किस टाइप का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं या फिर अपना करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको रिकमेंड करता हूं कि यहां पर आप अपना रेगुलर सेविंग अकाउंट ही ओपन करवा लीजिए। तो यहां पर आपको सिंपली रेगुलर सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद यहां पर आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों हम अब नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपनी लिंक ब्रांच को डिसाइड कर लेना है, यानी कि जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, जो आपके यहाँ पर नियर बाई की ब्रांच है उस ब्रांच को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका स्टेट शो हो जाएगा एंड उसके आगे आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएगी एंड उसके बाद आप जिस ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं उस ब्रांच को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड ब्रांच का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सिंपली अब जैसे कि आप देख सकते हैं अकाउंट टाइप हमारे सामने हमारा रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। रेगुलर सेविंग अकाउंट एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन है, यानी कि हमें अपने अकाउंट में 5000 रुपीस मेंटेन करने पड़ेंगे अगर हम अपना सेविंग अकाउंट यहाँ पर ओपन करते हैं। तो हम यहाँ पर एग्री कर देते हैं 5000 रुपये मेंटेन करने के लिए एंड उसके बाद यहाँ पर हमें सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज यहां पर ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको अब अपना एक फ़ोटो एंड आपको यहां पर अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर देनी है, जैसे कि आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मैरिटल स्टेटस, अपनी माताजी का नाम, अपने पिताजी का नाम एंड अपनी नेशनलिटी आपको फिल कर देनी है। यहां पर दोस्तों मैं ये सब डिटेल फिल कर देता हूं। यहां पर दोस्तों हमने अपनी कंप्लीट डिटेल को फिल कर दिया है एंड हमने अपने यहां पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपलोड कर दिया है। दोस्तों ये सब डिटेल फिल करने के बाद यहां पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपका यहां पर अकाउंट ओपन होने का लगभग 80% प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो चुका है। आपको यहां पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपकी ये जो डिटेल आपने फिल की है वो डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगी अकाउंट ओपन होने के लिए एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। अप्लाई ईमेल स्टेटमेंट एंड यस फॉर डिक्लेयर एंड नॉमिनी रजिस्टर्ड माई मोबाइल नंबर फॉर थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन इन नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग। यहाँ पर दोस्तों हम जो भी फैसिलिटी यहाँ पर चाहते हैं वो फैसिलिटी यहाँ पर हमें यस कर देना है एंड जो हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं उन पे हमें यहाँ पर नो कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर हमें सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। दोस्तों प्रोसीड पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है।
एंड उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें अपना एक्यूपेशन डिसाइड कर लेना है, यानी कि जिस फील्ड में हम यहाँ पर वर्क करते हैं वो फील्ड यहाँ पर हमें डिसाइड कर लेना है। यहाँ पर आप दोस्तों जो भी आप यहाँ पर काम करते हैं वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपना काम सेलेक्ट कर सकते हैं। अपलोड एंड यहाँ पर हम अपनी इनकम अपलोड कर देते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर हमें सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो जहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने अब यहाँ पर एड्रेस के लिए आपसे कंफर्म किया जाएगा, यानी कि आप किस एड्रेस पे अपना एटीएम कार्ड एंड अपनी चेकबुक यहाँ पर चाहते हैं वो डिटेल यहाँ पर आपको डिसाइड कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों हमें हमारा एड्रेस हमारे आधार कार्ड के बेस पे यहाँ पर ऊपर शो हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर हमें परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना है। परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करने के बाद